तो তার কিচেনে বানে গা পটল আলুর চিংড়ি। पटल आलू चिंगड़ी बनाने के लिए चाहिए पटल, कुची कुची करके काट के रखा, चाहिए आलू, चाहिए चिंगड़ी और मसाला के लिए चाहिए जीरा, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और नारकेल का दूध, नमक, हल्दी। मेरा आलू लाल लाल करके फ्राई हो गया। नमक हल्दी डाल के अभी परवल भी फ्राई होगा। अब रसून जीरा तिल में पीस के मेरा परवल फ्राई हो गया। वही तेल में मछली को भी फ्राई करके वही तेल में डाल दिया जीरा, इलायची, लौंग, दालचीनी, सूखा मिर्ची, तेज पत्ता। प्याज कद्दूकस करके रखा था वो भी डाल दिया। थोड़ा सा चीनी फिर डाल दिया, अदरक, लहसुन, जीरा जो शील में पीस के रखा था। डाल दिया टमेटो कद्दूकस के रखा था जो। डाल दिया नमक, फिर डाल दिया हल्दी, फिर डाल दिया लाल मिर्ची का पाउडर, फिर डाल दिया थोड़ा सा पानी। फिर मसाला को अच्छा से कस के मेरा मसाला का तेल छोड़ दिया। फिर भेज रखा आलू, परवल, मछली सब एक साथ में डाल दिया। आलू परवल सब एक साथ में फ्राई होके डाल दिया नारकेल का दूध। फिर थोड़ा सा ढक दिया, ढक्कन खोल के लास्ट में डाल दिया हरा मिर्ची काट के और डाल दिया गरम मसाला। और डाल दिया धनिया पत्ता। बन के रेडी हो गया तोतार किचने पटल आलू चिंगड़ी रेसिपी।